नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम कक्षा 11 के बीए के अंतर्गत लेसन नंबर 9 आंतरिक व्यापार के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो अब हम आगे से चर्चा करते हैं थोकबंद व्यापारी की सेवाएं, सर्विसेज ऑफ होलसेलर। थोकबंद व्यापारी की पहले उत्पादक को सेवाएं क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं। थोकबंद व्यापारी की उत्पादक को सेवाएं, तो सबसे पहला पॉइंट्स जो है वो है बड़े जत्थे में ऑर्डर, यानी इसके अंतर्गत बड़ा जत्था, कहने का मतलब है 100 बोरा, 500 बोरा, 100 साइकिलें, 500 साइकिलें, 1000 साइकिलें, 50, 80, 100, ऐसे मतलब बड़े जत्थे के अंदर थोकबंद व्यापारी अनेक फुटकर व्यापारियों के पास से ऑर्डर प्राप्त करके उत्पादक को बड़े जत्थे में ऑर्डर देता है। कहने का मतलब है कि वो फुटकर व्यापारियों से ऑर्डर लेकर आता है और उसके बाद जब एक बड़ा जत्था तैयार हो जाता है उसके बाद में उत्पादक को वो ऑर्डर दे देता है, इसलिए बड़े जत्थे में ऑर्डर। दूसरा आता है बाज़ार की जानकारी। बाज़ार की जानकारी में थोकबंद व्यापारी जो होता है वो अनेक फुटकर व्यापारियों के पास से ग्राहकों की वस्तु की मांग, मतलब कैसी मांग है, किस चीज़ की मांग है, उसकी अभिरुचि क्या है, पसंदगी क्या है, फैशन क्या है, ये सारी जानकारी फुटकर व्यापारियों से ही मिलती है और थोकबंद व्यापारी ये सारी जानकारी कलेक्ट करके और उत्पादक को पहुंचाते हैं ताकि उत्पादक वैसा ही माल तैयार कर सके जैसे माल की ग्राहकों को आवश्यकता है, जिससे उत्पादन बाज़ार की वर्तमान परिस्थिति से परिचित होते हैं। मतलब उत्पादक को भी पता चल जाता है कि वर्तमान समय में किस वस्तु की, कौन सी फैशन की अभी मांग जो है वो बाज़ार में चल रही है, तो उसके अनुसार ही उत्पादक माल तैयार करता है और कई बार माल के संदर्भ में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन सूचित करते हैं। तो कहने का मतलब बाज़ार की जानकारी उत्पादक को फुटकर व्यापारियों से और फुटकर व्यापारियों को ग्राहकों से मिलती है। नंबर 3 आता है माल के संग्रह में से मुक्ति। थोकबंद व्यापारी उत्पादक के पास से बड़े जत्थे में माल क्रय कर लेते हैं और अपने गोदाम में संग्रह कर लेते हैं। थोकबंद व्यापारी क्या करते हैं, मान लो गेहूँ के 1000 बोरे इकट्ठे करके अपने गोदाम के अंदर रख लिए, इसलिए उत्पादक को माल का संग्रह नहीं करना पड़ता है। मतलब उत्पादक के वहाँ से तो माल उठा लिया और अपने गोदाम में रख लिया, तो फुटकर व्यापारी को तो जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे माल देगा और अपने गोदाम के अंदर पड़ा रहेगा, तो उत्पादक के बाद पास में भी माल को संग्रह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फुटकर व्यापारी को भी एक साथ माल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4 आता है विक्रय की चिंता में से मुक्ति। विक्रय की चिंता मतलब बेचने की चिंता में से मुक्ति। थोकबंद व्यापारी उत्पादक के पास से बड़े जत्थे में माल क्रय करते हैं, बड़े जत्थे में माल क्रय कर लिया, खरीद लिया, जिससे उत्पादक को छोटे जत्थे में माल के विक्रय में से मुक्ति मिलती है। कहने का मतलब उत्पादक को अगर हम बोलने जाएं कि भाई हमें 1 किलो शक्कर चाहिए तो उत्पादक 1 किलो शक्कर हमें नहीं देगा, क्योंकि उसने थोकबंद व्यापारी को 100 किलो शक्कर दी है, यानी थोक में देता है वो, तो थोकबंद व्यापारी जो है वो उत्पादक से खरीद लेता है और उत्पादक फुटकर व्यापारी को बेचता है और फुटकर व्यापारी जो है वो फिर अपने को उपलब्ध करवाता है, तो विक्रय की जो चिंता है उससे भी हमें आज़ादी मिल जाती है। पूंजी की छूट। थोकबंद व्यापारी उत्पादक के पास से खरीदी करने से पहले कई बार अग्रिम भुगतान करते हैं, अग्रिम का मतलब होता है एडवांस दे देते हैं, जिससे उत्पादक को पूंजी की छूट मिलती है। मतलब कहने का मतलब उसको पूंजी यानी पैसे की छूट मिल जाती है, एडवांस दे देते हैं तो उसे पूंजी की छूट मिल जाती है। जोखिम से मुक्ति।
थोकबंद व्यापारी उत्पादक के पास से माल की खरीदी करके गोदाम में संग्रह करते हैं। थोकबंद व्यापारी उत्पादक से तो माल ले लेते हैं, बाद में अपने गोडाउन में डाल देते हैं, जिससे माल में कमी, माल का अपव्यय अथवा खराब होना, माल का नुकसान इत्यादि जोखिमों से मुक्त रहते हैं। न तो माल की कोई कमी आती है, क्योंकि वो आगे से आगे माल गोदाम में भरते रहते हैं, अपव्यय भी नहीं होता है, खराब भी नहीं होता है, नुकसान भी नहीं होता है, और कोई प्रकार की रिस्क भी यानी जोखिम भी नहीं रहती है, इसलिए जोखिम से भी मुक्ति मिलती है। अब हम बात करते हैं थोकबंद व्यापारी की फुटकर व्यापारियों को सेवाएं। थोकबंद व्यापारी फुटकर व्यापारी को तो पहली सेवा क्या है, आवश्यकता अनुसार माल। थोकबंद व्यापारी फुटकर व्यापारी को जब आवश्यकता पड़ती है तब पर्याप्त जत्थे में माल उपलब्ध कराते हैं। मान लो फुटकर व्यापारी को तो 10 बोरी की आवश्यकता है, 10 गेहूं की बोरी की आवश्यकता है, तो थोकबंद व्यापारी उसे 10 गेहूं की बोरी उपलब्ध करवा देगा, जिससे फुटकर व्यापारी को माल का संग्रह करना नहीं पड़ता है। मतलब फुटकर व्यापारी को 100 बोरी गेहूं की रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो 10 बोरी की आवश्यकता है, तो वो 10 बोरी उत्पादक को ऑर्डर देकर के खरीद लेगा और ग्राहक को उपलब्ध करवा देगा। नंबर दो, साख पर माल। थोकबंद व्यापारी फुटकर व्यापारी को साख पर माल बेचते हैं, जिससे वे कम पूंजी में से अधिक व्यापार कर सकते हैं। साख मतलब उधार पर, इसलिए कम पूंजी से भी अधिक व्यापार कर सकते हैं। विज्ञापन खर्च में कमी। थोकबंद व्यापारी द्वारा किए गए विज्ञापन और विक्रय वृद्धि के प्रयासों का लाभ फुटकर व्यापारी को मिलता है। थोकबंद व्यापारी अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करता है या बेचने यानी सेल के अंदर बढ़ाने के जो प्रयास किए जाते हैं उसका लाभ फुटकर व्यापारी को मिलता है। मतलब उसको कोई एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए फुटकर व्यापारी के विज्ञापन खर्च में कमी आती है। नंबर चार आता है शिकायतों का निवारण। फुटकर व्यापारी ग्राहकों के पास से प्राप्त शिकायतों को थोकबंद व्यापारी के माध्यम से उत्पादक तक पहुँचाकर उसका शीघ्र निराकरण अथवा हल करने में मदद रूप होते हैं। मतलब शिकायत जो है फुटकर व्यापारी जो है वो ग्राहकों के पास से लेता है, और ग्राहकों के पास लेकर के फुटकर व्यापारी थोकबंद व्यापारी को दे देता है, और थोकबंद व्यापारी वो शिकायत उत्पादक तक पहुंचा देता है, और उत्पादक उसके अंदर जो भी समाधान करना है, जो हल करना है, वो उसका निराकरण निकाल देता है, तो शिकायतों का निवारण भी हो जाता है। नंबर पाँच, जोखिम से मुक्ति। थोकबंद व्यापारी माल का संग्रह करते हैं, जिससे माल में कमी, माल का अपव्यय अथवा खराब होना, माल का नुकसान, मूल्य में कमी वृद्धि जैसी जोखिमों में से फुटकर व्यापारी को मुक्ति देते हैं। मतलब फुटकर व्यापारी को कोई रिस्क उठानी नहीं है, क्योंकि थोकबंद व्यापारी माल खरीदेगा, वही इकट्ठा करेगा, वही अपने को आवश्यकता अनुसार देगा, इसलिए हमें ये माल का अपव्यय है, माल की कमी है, माल का नुकसान है, खराब होने का डर है, ये कोई भी रिस्क हमें नहीं रहती है। छठा आता है मार्गदर्शन। थोकबंद व्यापारी अपने ज्ञान और अनुभव का लाभ फुटकर व्यापारी को देते हैं। थोकबंद व्यापारी जो होते हैं वो अपना ज्ञान और अनुभव यानी एक्सपीरियंस और नॉलेज है वो उसका लाभ फुटकर व्यापारी को देते हैं, विशेष करके माल का मूल्य यानी कितने का है, उसका उपयोग क्या है, और विक्रय संबंधी मार्गदर्शन कैसे उसको बेचा जाए, तो ये सारी बातें वो फुटकर व्यापारी को बता देता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने आज आपको थोकबंद व्यापारी की फुटकर व्यापारियों को सेवाएं और फुटकर व्यापारी की थोकबंद व्यापारी की सेवाएं ये आपको मैंने पढ़ाया है, तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी के अंदर जुट जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।